पीएम मोदी ने सिक्किम के पहले हवाई अड्डे की रखी नींव, कहा देश ने मारा शतक। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य के पहले हवाई अड्डे पाकयोंग का उद्घाटन किया। यह एयरपोर्ट राजधानी गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। सिक्किम में पीएम मोदी बोले, 67 साल में बने 65 एयरपोर्ट, हमने 4 साल में 35 बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम के दौरे पर हैं। यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से 2014 तक 65 एयरपोर्ट बने, लेकिन 2014 के बाद हमने हर साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार करवाए। पीएम ने कहा कि हमारा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे। रेस्क्यू ऑपरेशन वर्ल्ड गोल्डन ग्लोब रेस के दौरान समुद्र में फंसे नेवी अधिकारी को बचाया गया। दक्षिण हिंद महासागर में गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लेते वक्त बुरी तरह घायल हुए नौ सैन्य अधिकारी अभिलाष टॉमी को बचा लिया गया है। हालांकि अभिषेक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घुसपैठ कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को ढेर किया। ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गया। क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी है। कैप्टन की लोगों से अपील, घरों से ना निकले बाहर, कल पंजाब के स्कूल रहेंगे बंद। पंजाब में 48 घंटों से लगातार पड़ रही बारिश से आम लोगों की जिंदगी थमसी गई है। वहीं बारिश के कारण प्रशासन की तरफ से पंजाब के कई जिलों में 25 सितंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। अयोध्या मामले में इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला देगा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। इस बात पर फैसला सुनाने के बाद ही टाइटल सूट के मुद्दे पर फैसला आने की संभावना है। राफेल मुद्दे पर हमलावर राहुल गांधी, पीएम मोदी को कहा कमांडर इन चीफ। राफेल डील विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार आक्रामक होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्हें कमांडर इन चीफ कह दिया। बीजेपी ने कहा भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने वाले राहुल आज अचानक शिव भक्त बन गए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने विपक्षी पार्टी की तुलना पाकिस्तानी नेताओं से की और आरोप लगाया कि दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति से हटाना चाहते हैं। शाह ने कहा विपक्षी दल मोदी फोबिया से ग्रस्त, अगले चुनाव में भाजपा को ही जनादेश मिलेगा। ओडिशा की गरीबी के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और बीजू जनता दल सहित विपक्षी पार्टियां मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं और ओडिशा की जनता के आशीर्वाद से राज्य और केंद्र दोनों में ही भाजपा की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा केंद्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहता है SP-BSP गठबंधन। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा के संभावित गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि ये दोनों दल केंद्र में मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहते हैं, मगर उनका यह मंसूबा पूरा नहीं हो सकेगा।